बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस टाइम खड़ा हूँ DHA फेस एड का, ये जेड ब्लॉक है, IV ग्रीन जेड ब्लॉक के नाम से DHA फेस एड का ये ब्लॉक है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल जहाँ DHA फेस सिक्स का कमर्शियल एरिया एंड होता है, मेन जो ब्लीवर्ड है DHA फेस सिक्स का, वहाँ से एक रोड आता है, ये बरकी रोड से इसको मेन एंट्रेंस है, और तकरीबन कोई 3 किलोमीटर के फासले पे ये DHA फेस एड का IV ग्रीन जेड ब्लॉक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी से यहाँ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ी तेज़ी से ये आबाद हो रहा है। तो यहाँ 5 मरला, 10 मरला और कनाल के रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं। तो नाज़रीन, ये एरिया जो है, यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, इसके अलावा सदर कैंट नज़दीक है, मुगलपुरा, भगवानपुरा स्टेशन का एरिया, ये एरिया जो है यहाँ से नज़दीक तरीन एरिया कंसिडर होता है, क्योंकि ये बरकी रोड डायरेक्ट सदर कैंट की तरफ जा रहा है और बरकी रोड से इसकी अप्रोच है। तो यहाँ 5 मरला प्लाट जो है, ये तकरीबन कोई 40 लाख से 60 लाख की ब्रैकेट में है, और 10 मरला प्लाट यहाँ कोई 80 लाख से 1 करोड़ 10 की ब्रैकेट में है, और कनाल का प्लाट यहाँ 1 करोड़ 60 से तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख की ब्रैकेट में यहाँ कनाल का प्लाट भी मिल जाता है। लोकेशन वाइज रेट्स हैं, अगर हम रेट्स की बात करें तो लाहौर के अंदर DHA में सबसे कम रेट जो है ये जेड ब्लॉक है, DHA फेस एड के जेड ब्लॉक का सबसे कम रेट है, IV ग्रीन भी कहते हैं इसको। और नाज़रीन, ये एरिया जो है ये पैरागोन सिटी से भी नज़दीक है, ग्रीन सिटी से नज़दीक है, इसके अलावा फेस एड का जो एस ब्लॉक है वहाँ से नज़दीक है, और इसके अलावा DHA फेस सिक्स का जो मेन कमर्शियल एरिया है वहाँ से भी ये नज़दीक तरीन ब्लॉक पड़ता है। तो नाज़रीन, अगर आप इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्लाट ख़रीदना चाहते हैं घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि पोजेशन है यहाँ और तमाम बेसिक फैसिलिटेशन भी मौजूद हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, अगर आप कोई भी मालूमात चाहिए DHA फेस एड के जेड ब्लॉक के बारे में तो आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।